पिराना मछली के बारे में अक्सर ये दावा किया जाता है कि ये मछली इतनी खतरनाक है कि इंसान तक की जान ले सकती है। इस मछली पर कई हॉलीवुड फिल्म्स तक बनाई जा चुकी हैं, जिनमें पिराना को एक खौफनाक कातिल के रूप में दिखाया गया है। ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि क्या सच में पिराना मछली इतनी खूंखार है कि पानी में जाने वाले किसी भी जीव को नहीं बख्शती है, फिर चाहे वो कोई जानवर हो या इंसान। क्या ये मछली वाकई में इतनी जानलेवा होती है जो पल भर में अपने शिकार को कंकाल बना देती है? दोस्तों, आज ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या असल में पिराना मछली इतनी ही खतरनाक होती है जितना इसे बताया जाता है। अगर कोई बड़ी और जानी मानी शख्सियत कुछ कहती है तो लोग उस पर जल्दी यकीन कर लेते हैं, और ऐसा ही कुछ अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने अपनी एक बुक के माध्यम से कहा था। इस किताब का नाम है रिवर ऑफ डाउट, थियोडोर रूजवेल्ट्स डार्केस्ट जर्नी। दरअसल रूजवेल्ट ने अपनी ब्राजील यात्रा पर यह किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि पिराना मछली कितनी खतरनाक होती है। उन्होंने अपनी पुस्तक में इस मछली के खूंखार होने पर काफी विस्तार से उल्लेख किया है। कुछ लोगों का कहना है कि इसके बाद से अमेरिका में पिराना मछली को एक डेंजरस फिश के रूप में जाना जाने लगा, और फिर ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। यहाँ तक अफवाह सुनने को मिली कि पिराना इतनी बड़ी मांसभक्षी और मुर्दाखोर मछली है कि ये पेट भरने के लिए इंसान तक को खा जाती है। लेकिन दोस्तों, ये मछली इतनी भी खतरनाक नहीं है जितना इसके बारे में बातें फैलाई गई हैं। क्या आप पिराना मछली के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इस मछली से जुड़ी तमाम जरूरी जानकारी पर डाल लेते हैं। पिराना फिश। पिराना को दुनिया की सबसे खतरनाक, आक्रामक और आदमखोर मछली माना जाता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। दुनिया भर में पिराना की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, फिलहाल इस बारे में साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक पिराना की 30 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। ये मीठे पानी की मछलियां हैं। इनके आकार की अगर बात करें तो अधिकांश पिराना 2 फीट यानी कि 60 सेंटीमीटर से अधिक लंबी नहीं होती हैं। आपको बता दें कि रेड बेलिड पिराना और पीरिया पिराना लगभग 20 इंच बोले तो 51 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती हैं, जबकि ब्लैक स्पॉट पिराना करीब 11 इंच मतलब 28 सेंटीमीटर तक बढ़ती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मछली अधिकतम 3 किलोग्राम तक वजनी होती हैं। रेड बेलिड पिराना का वजन 3.2 किलोग्राम तक हो सकता है। इस मछली के दांत काफी मजबूत और नुकीले होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिराना के दांत किसी शार्प रेजर से कम नहीं होते हैं। कहते हैं कि अगर कोई एक बार इसके जबड़े की गिरफ्त में आ जाए तो उसका बचना मुश्किल है। इस छोटी सी मछली का बाइट फोर्स कमाल का होता है। व्हाइट शार्क के मुकाबले पिराना के काटने की क्षमता काफी पावरफुल होती है। बताते हैं कि इनका बाइट फोर्स 320 PSI तक होता है। एक स्टडी के मुताबिक अमेरिकन एलिगेटर के मुकाबले एक ब्लैक पिराना का बाइट फोर्स 3 गुना अधिक दर्ज किया जा चुका है। अगर हम इस मछली के साइज और वेट के हिसाब से कंपैरिजन करें तो इतना अधिक बाइट फोर्स धरती पर मौजूद अन्य किसी भी जीव के पास नहीं है। यहाँ तक कहा जाता है कि वजन के हिसाब से देखा जाए तो इतना पावरफुल बाइट फोर्स तो डायनासोर का भी नहीं था। आपको बता दें कि मौजूदा समय में धरती पर सबसे खतरनाक बाइट फोर्स मगरमच्छ का माना जाता है, लेकिन मगरमच्छ का बाइट फोर्स अपने वजन से लगभग 2 गुना अधिक ही होता है, जबकि पिराना का बाइट फोर्स अपने वजन से कई गुना अधिक होता है। पिराना के बारे में कहा जाता है कि ये मछली जहाँ कहीं भी जाती है वहाँ केवल अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती है। उदाहरण के तौर पर अगर पिराना को उसके मूल इलाके से अन्य जगह पर ले जाकर छोड़ देते हैं तो कुछ ही समय में ये मछलियां वहां की सारी छोटी मछलियों को अपना शिकार बना लेंगी। फिर कुछ वक्त बाद उस स्थान पर केवल पिराना का ही राज होगा, वहां केवल पिराना ही नजर आएंगी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी में पिराना मछली की एक प्रजाति को बड़ी संख्या में देखा जा चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक भविष्य में ये मछली नदी के जलीय जीवन के लिए खतरा बन सकती है। एक रिपोर्ट की माने तो ये मछली लाल पेट वाली पिराना की एक प्रजाति है, जिसे पाकू कहा जाता है। हालांकि यहाँ इसे इंसानों का शिकार करते हुए नहीं देखा गया है, लेकिन वेनेजुएला, अर्जेंटीना और ब्राजील में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि इस बात में कितना दम है इस पर पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
आपको बता दें कि दुनिया के कई हिस्सों में पिराना को बरामद करने की खबरें भी आ चुकी हैं। इसकी मौजूदगी के पीछे एक्वेरियम के गैर कानूनी कारोबार को जिम्मेदार माना गया है। पिराना की सबसे खतरनाक प्रजातियों की बात करें तो रेड बेलिड पिराना और ब्लैक पिराना को दुनिया की सबसे आक्रामक और क्रूर प्रजाति माना जाता है। पिराना मछलियों के रहने के लिए अमेजोन का जंगल काफी उपयुक्त माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ की नदियों में पिराना करीब 20 लाख साल से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। बता दें कि पिराना मछली का जीवन काल 20 से 12 साल तक होता है। वहीं कुछ जानकारों के हिसाब से पिराना 30 से 40 साल तक ही जिंदा रह सकती है। पिराना को शिकारी मछली माने जाने की वजह से अधिकांश लोग ये मानते हैं कि पिराना एक मांसाहारी मछली है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। पिराना की कुछ प्रजातियां शाकाहारी हैं, तो कुछ सर्वाहारी होती हैं। शाकाहारी पिराना समुद्री फल, बीज और पत्ते खाना पसंद करती हैं, जबकि सर्वाहारी मछलियां सब कुछ खा लेती हैं। इन सब के बावजूद कुछ लोग मांसाहारी पिराना को ही असली पिराना मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मांसाहारी पिराना मुख्य रूप से समुद्र में पाए जाने वाले छोटे जलीय जीव और मछलियों को खाकर अपना पेट भरती हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि पिराना किसी इंसान की जान भी ले सकती है तो इस पर सोचना बनता है। अक्सर लोगों द्वारा दावे किए गए कि पिराना मछली इतनी बड़ी दानव है कि ये इंसान की चमड़ी को भी खाने से बाज नहीं आती, लेकिन अभी तक ये बात पूरी तरह से सच साबित नहीं हो सकी है। ताजा जानकारी के मुताबिक पिराना मछली हर किसी को अपना शिकार नहीं बनाती है। ये पहले जीव के डर को भांप लेती है और फिर उस पर हमला करती है। एक शोध के समय जब पिराना से भरी एक नदी में जैसे ही अनेक मछलियों को डाला गया तो पिराना ने ज्यादा समय नहीं लगाया और इन मछलियों को अपना भोजन बना लिया। फिर जब एक शख्स इस नदी में कूदा तो नजारा काफी चौंकाने वाला था। दरअसल जब ये शख्स नदी में गया तो पिराना ने इसे कुछ भी नहीं किया। खतरनाक पिराना ने एक बार भी इस इंसान को खाने की कोशिश नहीं की। इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित होती है कि पिराना मछली इतनी भी घातक नहीं है जितना इसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। सच कहें तो साथियों, जब भी किसी जीव के सामने उससे बड़ा जीव आकर खड़ा होता है तो वो कुछ पल के लिए सहम सा जाता है। कहते हैं कि पिराना मछली पर भी ये बात फिट बैठती है, इसलिए आमतौर पर ये मछली इंसानों पर अटैक नहीं करती। लेकिन अगर कोई आदमी पानी में जाने के बाद कोई एक्टिविटी करता है या उछल कूद करता है तो पानी में हुई हलचल को देखकर पिराना को ये महसूस होता है कि एक साथ जलीय जीव पानी में तैर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पिराना इंसानों पर हमला कर सकती है। अगर आप पिराना से भरी किसी भी नदी में गिर जाएं तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से धीरे धीरे तैरते हुए किनारे तक आ जाएं। बता दें कि शिकार के लिए पानी में जाने वाला जैगुआर भी यही तरीका अपनाता है। जैगुआर धीरे धीरे तैरते हुए ऊपर की ओर आ जाता है। इस तरह ये साबित होता है कि मछली इंसानों को अपना शिकार नहीं बनाती। पिराना अक्सर छोटे जलीय जीवों को ही अपना निवाले के रूप में खाना पसंद करती है। आपको बता दें कि पिराना पर मुर्दाखोर होने का भी दावा किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जानवरों के अलावा इंसानों का भी सड़ा गला मांस खा जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की कहानी भी कुछ अलग ही है। दरअसल पानी में डूबने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इन्हें समय रहते बाहर नहीं निकाला गया, तब पिराना ने इनके मांस को खा लिया। इस तरह से ये माना जाता है कि पिराना काफी हिंसक होती है और इस मछली ने ही जिंदा इंसानों पर हमला कर उन्हें खा लिया होगा। आपको बता दें कि पिराना मछली झुंड में रहना पसंद करती है और झुंड में ही शिकार करती है, लेकिन इसे लेकर भी लोगों में काफी भ्रम है, क्योंकि ये मछली शिकार करने के मकसद से नहीं बल्कि स्वयं की रक्षा के लिए झुंड में रहना ज्यादा पसंद करती हैं। अक्सर पिराना को अकेले समझकर अन्य जीव उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। कछुए और मगरमच्छ जैसे जानवरों द्वारा पिराना को अपना शिकार बनाया जाता है। इतना ही नहीं, इंसान भी इस मछली का शिकार करते हैं। जहां कुछ लोग पिराना को खतरनाक मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे एक लाचार मछली मानते हैं, जिसे लेकर मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई गई हैं। वहीं पिराना पर आधारित फिल्मों में जैसा इस मछली को दिखाया जाता है, ये उतनी भी अधिक खतरनाक नहीं होती। सिनेमा में पिराना को काफी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, क्या आप पिराना की तरह किसी और खतरनाक मछली या जीव के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।